ब्रेकअप पर पारस का आया पहला रिएक्शन, कहा किसने बोला हम रिलेशनशिप में हैं। सुबह उठते उठते ही जिस खबर ने सभी का शॉक कर दिया वो ये कि बिग बॉस 13 की मशहूर जोड़ी पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा का ब्रेकअप हो गया है। यहाँ तक कि माहिरा ने पारस को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है और उनके साथ वाली फोटोज को भी कर दिया है डिलीट। अब दोनों के ब्रेकअप की वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन ब्रेकअप पर पारस ने चुप्पी जरूर तोड़ी है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पारस ने कहा, हाँ हमारे बीच एक छोटी सी बात को लेकर बहस हुई थी, लेकिन ऐसी फाइट्स तो हमारी हमेशा होती रही है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि बात ब्रेकअप तक पहुंच जाएगी। हमने कभी खुद को लवर्स नहीं बताया, लेकिन हमने हमेशा वी आर मोर देन फ्रेंड्स वाला रिश्ता बनाए रखा, और ऊपर वाले ने चाहा तो हम शादी करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे को बांधना नहीं था किसी रिलेशनशिप के टैग से। मैंने भी उसे इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है, लेकिन चीजें सॉल्व होने के बाद मैं उसे कॉल करूंगा। हम बाद में मिलेंगे तो हम इस बचकानी हरकत को लेकर हंसेंगे। मुझे ये सब टेम्पररी लग रहा है और उसकी कोई पीआर एक्टिविटी लग रही है। वेल, जहां एक और पारस इसे माहिरा का नाटक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर माहिरा ब्रेकअप के बाद टूट गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं अब तक माहिरा ने ब्रेकअप पर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस के दोस्त ने उनका हाल बताया है। दोस्त के मुताबिक माहिरा ब्रेकअप से बहुत ज्यादा तकलीफ में है, वो दुखी है। दोस्त ने बताया माहिरा और पारस चंडीगढ़ में एक ही बिल्डिंग में साथ रह रहे थे। पारस और माहिरा क्यों अलग हुए हैं इसकी वजह सामने तो नहीं आई है। हालांकि माहिरा अब सब कुछ भुलाकर अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। वेल, आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, एंड ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।